हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये मैंने स्वेटर बना रही हूँ बच्चे का, 3-4 साल के बच्चे का ये स्वेटर मैंने शुरू किया हुआ है, तो इसकी मैं वीडियो डालूँगी। मैंने अब इसमें ये इसमें लगभग 300 ग्राम ऊन के करीब लगेगी इसमें, तो 300 ग्राम मैंने अभी वाइट और ये दोनों मिला के मैंने 300 ग्राम ऊन ली हुई है। अब मैंने इसमें नीचे 80 फंदे डाले हैं, 80 फंदे डाल के मैंने बॉर्डर बना लिया, और बॉर्डर के बाद अब ये मैंने ऊपर 10 फंदे बढ़ा के मैंने ये 90 फंदे कर लिए हैं। अब इसके बाद ये मैंने डिजाइन डाला हुआ है, तो मैं ये देखो इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। अब ये मैंने बॉर्डर से ऊपर 90 फंदे कर लिए थे। अब नीचे शुरू में मैंने 8 सिलाइयाँ, 2 मैंने सीधे बनाए हैं, 2 उल्टे बनाए हैं, 2 सीधे 2 उल्टे। मैंने पूरी सिलाई मैंने 8 सिलाइयाँ यूं ही कंप्लीट की हैं, 2 उल्टे 2 सीधे। उल्टी सिलाई में भी जो सीधा दिख रहा है वो सीधा बनाया है, उल्टा जो दिख रहा है वो मैंने उल्टा बनाया है। अब 8 सिलाइयाँ नीले की बना के मैंने अब ये दूसरा कलर लगाया। ये देखिए मैं वाइट लगा रही हूँ अब इसमें। अब ये देखो वाइट में अब ये मैंने क्या किया है, जो मेरे सीधे फंदे थे वो मैंने उल्टे बनाने। अब सीधे फंदे हैं जो वो तो मैंने उतारने हैं, और जो मेरे उल्टे फंदे हैं मैंने वो बनाने हैं। ये देखिए जो उल्टे फंदे दिख रहे हैं आपको, ये मैं बना रही हूँ, और जो दो सीधे फंदे हैं ये मैं उतार रही हूँ। 2 से उल्टे हैं वो मैंने बना लिए, 2 सीधे हैं वो मैं उतार रही हूँ। 2 उल्टे हैं वो मैंने बना लिए, और जो 2 सीधे हैं वो मैंने उतार लिए। पूरी सिलाई मैंने ऐसे ही कंप्लीट करनी है, अगली सिलाई में मैं आपको बताऊँगी। अब ये देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली। जैसे नीचे पहली सिलाई में था 2 मैंने नीले बनाए थे, और जो उल्टे थे वो मैंने सफ़ेद बनाए थे, उतारे सफ़ेद तो मैंने बना लिए थे और नीलों को मैंने उतार लिया था। ऐसे ही सारी सिलाई कंप्लीट की, उल्टी सिलाई भी सेम वैसे की वैसे, जो नीले हैं मैंने उतार लिए और ये जो वाइट वाले थे ये मैंने बुना लिए उल्टी सिलाई। अब ये मेरी तीसरी सिलाई देखिए, तीसरी सिलाई में अब मैंने पूरी सिलाई वाइट वाइट से पूरी सिलाई ही बनानी है। सारे फंदे जो मैंने उतारे हुए हैं वो भी बनाने हैं, और जो मैंने बनाए हुए वाइट हैं वो भी मैंने सारे के सारे तीसरी सिलाई मैंने ऐसे ही बनाई है, बनानी है। ये मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन की घंटी को बजाना ना भूलें। मैं अपने हाथों से जो स्वेटर बनाती हूँ वही स्वेटर के डिज़ाइन मैं आपको दिखाती रहती हूँ, और आगे अब जो मैं बनाऊंगी वो भी दिखाऊंगी, जो पहले बना चुकी उसको भी मैं पीछे से दिखाती आ रही हूँ। अब ये मैं तीसरी सिलाई कंप्लीट कर लूँ। अब ये मेरी चौथी सिलाई, फोर्थ सिलाई में, इसमें थोड़ा सा मेरे को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये देखना, जो इधर से नीचे मैंने बना रखे थे इनके ऊपर मैं उल्टा बनाऊंगी, यानी पीछे की साइड से उसको सीधा बनाऊंगी। इधर उल्टा आना चाहिए, फ्रंट में मेरा उल्टा आना चाहिए और पीछे से मेरा सीधा आना चाहिए, और ये जो बनाए हुए फंदे थे इनको मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी। ये देखिए 3 फंदे मैंने बना लिए। अब जो इधर नीले सीधे थे वो मैंने अब इधर से सीधे बनाने हैं, वो फ्रंट में उल्टे आएंगे। अब ये 2 सीधे 2 उल्टे, अब ये 2 सीधे, अब ये 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। इसी तरह मेरे को अब ये 4 सिलाइयाँ मेरी हो जाएंगी अब, और 4 सिलाइयाँ मैं ऐसे ही 2 सीधे 2 उल्टे ऐसे ही बनाऊंगी। ये उसके बाद अपना दूसरा धागा जो मेरा ब्लू वाला है नीचे वो लगेगा। तो जैसे मैंने अब 4 सिलाइयाँ बनाई है, ऐसे ही ये ब्लू की भी 4 सिलाइयाँ बनानी होंगी, और ऐसे ही फिर दूसरे, चाहे अगर इसमें 2-3 रंग लगाना है तो हम 2-3 रंग भी लगा सकते हैं। अगर आप 2 रंग में बनाना चाहें तो 2 रंग में भी ये बन जाता है। अब इसको ऐसे ही बनाते चले जाऊँगी आगे 8 सिलाइयों के बाद, इसका फिर मैं कलर
चेंज कर दूंगी, ब्लू कलर लगा दूंगी, ऐसे ही ये पूरी स्वेटर बनती चली जाएगी। आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।